नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उनके 3 जनवरी को ये यात्रा यूपी में आई थी, जो 6 जनवरी को तक राज्य में रही। इस दौरान राज्य के कई नेताओं और अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया था। वही यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर ने यात्रा में शामिल हुई। इस मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। साथ ही साथ यहां पर बता दूं कि नेहा सिंह राठौर से पूछा गया कि राहुल गांधी से आप मिली, क्या कोई बात हुई? तब उन्होंने कहा, हाँ बात हुई है। जब पार्टी विपक्ष में होती है तो बेरोजगारी हाय हाय, महंगाई हाय हाय, सिलेंडर का दाम बड़ा हाय हाय करती है, वो भी वही कर रहे हैं। कल अगर वो जीत जाते हैं और बेरोजगारी के साथ ही महंगाई पर काम करते हैं तो हम कुछ कहें? अभी वो क्या करेंगे, वो तो खुद विपक्ष में है। इसके साथ ही नेहा सिंह राठौर ने कहा कि 2014 में भी आपने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी बेरोजगारी और महंगाई करके चुनाव जीत गए। विपक्ष में लोग होते हैं तो मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन कल उनका उनकी गद्दी मिल जाती है तो चौड़ा होकर फैल जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। इस दौरान उन्होंने राजनीति में आने पर भी खुलकर बयान किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस वक्त मुझसे पूछे, मैं कहूंगी कि अगले 5 या 10 साल तक भोजपुरी के लिए और गरिमा के लिए लड़ते दिख रही हूँ। मैं भोजपुर में रोज नेगी कीर्ति और गाती रहती हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा था कि मैं आरजेडी की एजेंट हूँ। जब मैंने यूपी में काबा गाया तो लोगों ने कहा कि मैं सपा की एजेंट हूँ। मेरा ये मानना है कि हम जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछेंगे, विपक्ष में क्या सवाल करते उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि ऐसे और भी लोग जुड़ेंगे राहुल गांधी के साथ जो योगी सरकार के खिलाफ होते नजर आएंगे। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। We'll be right back.